नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल गुप्ता। वर्ड पावर की ये मेरी तीसरी वीडियो, जिसमें मैं वर्ड को लर्न करने के आप लोगों को अच्छे से टिप्स देता हूँ। ये टिप्स कुछ इस प्रकार है। पहला वर्ड है कोविनाइन। इसको लर्न करने का क्या ट्रिक हो सकता है? इसमें देखा जाए तो कौवा और आंट दोनों आ रहे हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कौवा प्लस आंट। आप ये बताइए, कौवा और आंट एक साथ एक जगह रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कौवा आंट को खा जाएगा। तो हुआ क्या, दोनों लोगों ने समझौता किया कि हम आपस में समझौता करते हैं कि हम लोग एक साथ रहेंगे और कोई किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दैट्स इट। इसका मतलब ये हो गया, कोविनाइन का मतलब हो गया समझौता करना। नाउ नेक्स्ट, डेवियस। डेवियस को कैसे याद करेंगे, इसको मीनिंग जानने के लिए क्या करेंगे? डेवियस मीन्स हो गया देवी से, देवी से। जो देवी जी का मंदिर होता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे होता है, और देवी जी का जो मंदिर होता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे होता है, वहां पर जाने के लिए उनकी सीढ़ियां होती हैं, और जो सीढ़ियां होती है वो घुमावदार होती हैं। मतलब उनके पास जाने के लिए हम सीढ़ियों से घूमते घूमते उनके पास पहुंचते हैं। इसका मतलब ये हो गया डेवी, इसका मतलब ये होता है घुमावदार। नाउ नेक्स्ट आप पढ़ेंगे पेंसिल। पेंसिल मतलब पेन प्लस शिव। अब शिव क्या है? शिव जी हैं, मतलब भगवान। अब इनकी आप पूजा अर्चना करने लगेंगे, पूजा अर्चना करते करते क्या होते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। शिव जी की महिमा में आप क्या हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध। मतलब कि पेंसिल का मतलब क्या हो गया, मंत्र मुग्ध। नेक्स्ट, फेल। फेल मीन्स क्या होता है, इसको समझने के लिए हमने एक वर्ड लिया, फी में रेल। फी में रेल, आप ये बताएंगे कि फी में यात्रा कौन करता है? रेल में। अभी आप बस में जाएंगे तो आपको टिकट लेना कंपलसरी हो जाएगा, नहीं आप रेल में जाते हैं तो हो सकता है आप टिकट ना लें और यात्रा करते हो सकता है कभी टिकट मिले या ना मिले। लेकिन फी में कौन है कि जो यात्रा करना चाहता है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, जो पैसे से बहुत कमजोर होता है, तो वो सोचता है चलो यार ट्रेन में बैठ लेते हैं और यात्रा भी हो जाएगी, हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये होगा ट्रेन मिस क्या होता है, कमजोर। फ्री में रेल कौन यात्रा करता है, जो बहुत कमजोर होते हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, बहुत कमजोर होती है। मतलब ट्रेन मिस क्या हो गया, कमजोर। ऑनेस्ट, नैव मिस क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि छोटे बच्चे होते हैं जो, इसको मैं ऐसे लिख दूंगे ना आई, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बुलाओ तो वो बोलते हैं ना आई। मतलब वो लोग क्या होते हैं, नौसिखिया होते हैं, नौसिखिया होते हैं ना आई। कुछ भी काम करिए बुलाइए सीधे बोलते हैं कि ना आई। मतलब ऐसा कौन बोलता है, नौसिखिया लोग बोलते हैं। मतलब नैव मिस क्या हो गया, नौसिखिया। थैंक यू दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।